नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 14 फरवरी 2024 दिन बुधवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, रचनात्मक सहयोग की अपील। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पूर्व मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सभी सदस्यों से रचनात्मक सहयोग की अपील की। बैठक में सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य संसदीय सचिव मोहनलाल बरागटा, प्रतिपक्ष की ओर से बलवीर सिंह वर्मा और निर्दलीय विधायक KL ठाकुर शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों से सत्र के संचालन में रचनात्मक सहयोग देने की अपील की। पठानिया ने कहा कि उनका सभी सदस्यों से अनुरोध रहेगा कि वह सत्र के संचालन में भरपूर सहयोग दें। सदन के समय का सदुपयोग सदन से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए करें। पठानिया ने राज्यपाल के अभिभाषण और सदन में लाए जाने वाले अन्य विषयों की जानकारी दी। मछली पकड़ने गिरी खड्ड में गए पिता पुत्र की करंट लगने से मौत। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के उपमंडल कोटखाई के अंतर्गत गिरी खड्ड में मछली पकड़ने गए पिता व पुत्र की करंट लगने से मौत हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक पिता व पुत्र नेपाली मूल के हैं। सोमवार देर रात दोनों मछली पकड़ने के लिए गिरी खड्ड में उतरे थे। मछली मारने के लिए समीप में बिजली के खंभे से तार जोड़कर खड्ड में पानी के बीच डाली, लेकिन इस दौरान दोनों करंट की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने मंगलवार सुबह गिरी खड्ड में पानी के बीच शवों को तैरता देखा तो मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शवों को पानी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए कोटखाई अस्पताल ले जाया गया। 4 फुट बर्फ में अपने दादा देवता ऋषि पराशर के पास मिलने पहुंचे पोत्रु देवता वीरनाथ ऋषि शिलगहरी। नए रथ में विराजमान देवता वीरनाथ ऋषि शिलगहरी अपने देवलू और देवता कमेटी और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ 20 किलोमीटर पैदल चलकर ऋषि पराशर मंदिर पहुंचे और रात को देवता के मंदिर में जाग जगाई गई। देवता पराशर ऋषि के कमेटीदार पुजारी अमर सिंह, उत्तम राम, जीवन गुरु भाग सिंह और चौकीदार नूपे राम उपस्थित रहे। देवता कमेटी पराशर ऋषि और सभी पराशर ऋषि कमेटीदार का स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया। प्रदर्शनकारियों के पथराव में एक होमगार्ड और 7 पुलिसकर्मी घायल। सोलन बिलासपुर सीमा पर अली खड्ड में बन रहे कीकर नवगांव पेयजल योजना का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने काम रुकवाने के लिए पथराव किया। इसमें अर्की क्षेत्र में योजना के पास मौजूद एक होमगार्ड व 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस के अनुसार करीब 400 प्रदर्शनकारियों ने बिलासपुर की ओर से पुलिसकर्मियों और पंप हाउस बनाने के काम में लगे लोगों पर पथराव किया। मामले में SP सोलन गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा। इससे पहले मंगलवार सुबह त्रिवेणी घाट में मंगलवार को दूसरी महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों और सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। महापंचायत में 50 से अधिक पंचायतों के लोग पहुंचे। श्री नैना देवी जी के विधायक रणधीर शर्मा भी इस महापंचायत में भाग लेने पहुंचे। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। महापंचायत के बाद ग्रामीणों ने मौके पर जाकर पेयजल योजना का काम बंद करवाया, साथ ही निर्माणाधीन टैंक में पत्थर डाल दिए। इस दौरान स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। ग्रामीणों ने अर्की प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। संघर्ष समिति ने कहा कि प्रशासन और सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा। यदि यहाँ पेयजल योजना बन जाती है तो गर्मियों में बिलासपुर के लोगों को पानी के संकट से जूझना पड़ेगा, इस बारे में कोई नहीं सोच रहा है। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र ही इस काम को बंद नहीं करवाया गया तो आंदोलन और उग्र होगा, इसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से बिगड़ेगा मौसम, कई क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से मौसम बिगड़ने के आसार हैं।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 13 फरवरी को बारिश बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद 14 से 16 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। 17 फरवरी की रात से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से राज्य में 18 फरवरी से बारिश बर्फबारी की गतिविधि में तेजी आने के आसार हैं। 19 और 20 फरवरी को राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। इस दौरान तापमान में भी गिरावट के आसार हैं। वहीं मंगलवार को राजधानी शिमला समेत प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में दिन भर बादल छाए रहे। बिलासपुर में रेल ट्रैक निर्माण के लिए मुस्लिम समुदाय ने खुदवा दी पूर्वजों की कब्रें। उत्तराखंड के हल्द्वानी की घटना से इतर बिलासपुर के मुस्लिम समुदाय ने विकास के लिए मिसाल पेश की है। भानुपल्ली बैरी लेह रेल लाइन के निर्माण के लिए समुदाय के लोगों ने पूर्वजों की 15 कब्रें खुदवाकर उन्हें सम्मान के साथ दूसरी जगह शिफ्ट किया। कंपनी अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद संयुक्त निर्णय के बाद सोमवार को ऐसा किया गया ताकि रेल लाइन निर्माण में कोई बाधा न आए। ऐसे में रेल निर्माण कंपनी के अधिकारियों और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपसी वार्ता से ट्रैक के रास्ते में आने वाली कब्रों को हटाने का निर्णय लिया। इस्लाम धर्म की रस्मों को निभाते हुए 15 कब्रों को शिफ्ट कर दिया गया। वहीं जामा मस्जिद कमेटी के प्रधान हारून मोहम्मद ने कहा कि धर्म से बढ़कर देश है। रेल लाइन सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके लिए निर्माण में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चंबा व कांगड़ा में दो चरणों में आयोजित होगी प्रक्रिया, अधिसूचना जारी। सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर के भर्ती निदेशक कर्नल मनीष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अग्निपथ योजना भर्ती वर्ष 2024-25 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी से 22 मार्च 2024 तक खुली रहेगी। अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। वहीं दूसरे चरण में शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण, शारीरिक माप परीक्षण और चिकित्सा परीक्षण की जाएगी। चंबा और कांगड़ा जिला के उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर कार्यालय सहायक, स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास वर्गों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इच्छुक उम्मीदवार अपना पंजीकरण भारतीय सेना के आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर कर सकते हैं। आज का सुविचार, आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।